Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel Encounter 24, and we are here with another video on the topic of the third level that is completely related to the CBSE board exam and the questions which we are confirming here that is completely related to the board exams. And today we are going to start this point, that is the questions of MCQs of the third level, right? So start करते हैं. पहला जो question है, the first point is, why did the narrative go to a psychiatrist? Now the question is, why did the narrative go to the psychiatrist? What is the reason behind his going to a psychiatrist? क्यों गया वो psychiatrist के पास? ये बड़ा question है ना? अब जो चार्ली है वो क्यों गया? ये बड़ा important question है. ये ही समझना है. क्या कहता है? पहला जो option है, MCQs के according बात करें. ठीक है, बिकॉज ही वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस नो वन एल्स डिड. पहली बात तो क्या है, वो उस एक्सपीरियंस से गुजर रहा था. ही वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस. उसने वो चीज अनुभव की थी जो नो वन एल्स डिड, किसी और ने नहीं किया था. नो वन वॉज देयर हू फील लाइक हिम इन एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस. ओके, उसकी तरह किसी ने फील नहीं किया था कुछ ऐसा. दूसरा, because he was unhappy. पहली बात क्या है यहाँ पे, unhappy है, a condition unhappy and wanted to know why. और जानना चाहता था क्यों. एक तो नाखुश था और फिर जानना चाहता था क्यों, ऐसा क्यों, है ना. तो कुछ देखते हैं, चलो. because he was depressed. एक और जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है depressed, है ना. depressed हो गया है, तनाव में चला गया है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, वो वाली क्वेश्चन. चौथा जो ऑप्शन, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिम. और एक जो बात है, जैसे हम फ्रेंड से मिलने जाते तो उसी तरह से क्या चाहता था, एक उसे मिलना चाहता था, कहीं ऐसी बात थी. हमने जितना पढ़ा है उसके ऊपर हम जो बात करते हैं उसमें सिंपल सी बात जो निकल कर आती है वो क्या है, ये जो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है यहाँ पे, ऐसा किसी और ने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है. जो थर्ड लेवल वाली बात है वो थर्ड लेवल वाली बात क्या समझाती है, कि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज नहीं है, है ना. दो ही लेवल है, ये सिर्फ इमेजिनेटिव एस्पेक्ट है इसका, ये ठीक है. तो उसकी बात करते हैं. तो यहाँ पे देखो पॉइंट, फिर अगर इसकी बात करते तो खाली मिलने जा रहा है तो ये तो गलत होगी बात, है ना. बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड. हाँ, डिप्रेस वाली थोड़ी बहुत बात मान सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इतना नहीं था कि वो डिप्रेशन में चला गया था, ऐसी बात भी नहीं थी, है ना, कंप्लीटली. बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी एंड वॉन्टेड टू नो वाई. हाँ, अनहैप्पी था और जानना चाहता था क्यों, है ना, ऐसा क्यों हो रहा है. तो ऐसा भी कोई रीजन नजर नहीं आया. एक जो बात क्या थी, बिकॉज ही वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस नो वन एल्स डिड. हाँ, ये एक बात बनती हुई नजर आ रही है कि वो जिस एक्सपीरियंस से गुजर रहा था, है ना, वो एक बड़ी बात थी जो कोई फील नहीं कर पाया था. अब थर्ड लेवल इसने इंक्रीज किया, लेकिन नॉर्मली माना जाता है तो क्या माना जाता है, थर्ड लेवल नाम की कोई दुनिया, कोई चीज नहीं है. ठीक है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, अब साइकेट्रिस्ट है, जो मनोचिकित्सक है, उसके पास जाता है, फ्रेंड है इसका, तो उसे मिलने जाता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के ऊपर निकलती हुई नजर आती. ठीक है, तो बात करते हैं. तो इट मींस फिर क्या होगा, इन पॉइंट्स की बजाय हमारा पॉइंट नंबर वन जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट होता हुआ नजर आएगा. ठीक है जी, अगली बात करते हैं. व्हाट वाज द थर्ड लेवल, है ना. ये बातें हमने कल भी थोड़ी बहुत की थी, पुरानी वीडियो में भी की थी. चलो बात करते हैं. अ थर्ड प्लेटफॉर्म ऑन द ग्रैंड, ये ध्यान रखना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, है ना. क्या है इसका नाम, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. दूसरा, ए थर्ड स्टोरी ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, है ना. स्टोरी क्या होती है, जिसको बिल्डिंग के रूप में बोलते हैं, वो वाला मंजिला, है ना. एंड तीसरा क्या, इमेजिनेटिव डिस्कवरी ऑफ द नैरेटर्स माइंड. ठीक है, एन इमेजिनेटिव डिस्कवरी ऑफ द नैरेटर्स माइंड, ए लेवल इन द गेम दैट चार्ली हैड बीन प्लेइंग. ठीक है, अब एक इक्वेशन सामने क्या आती है कि कौन सा गेम है जो चार्ली के माइंड में चल रहा था, या चार्ली हैड बीन प्लेइंग, जो खेल रहा था चार्ली. अब देखो कौन सा गेम था, गेम वगैरह की कोई इक्वेशन नहीं है, तो गलत हो जाता है. थर्ड प्लेटफॉर्म ऑन द जीएस, ये इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म वाली कोई बात नहीं है, किसी मंजिला इमारत की बात नहीं है, तो कौन सा बच जाता है, इसके ऊपर एन इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नैरेटर्स माइंड. अब देखो इमेजिनरी डिस्कवरी है ना, सोची समझी साजिश है, कि बस सोचे जा रहा है उस पॉइंट के ऊपर. ठीक है, इमेजिनरी डिस्कवरी मतलब खोज है, माइंड की खोज है ना, ऑफ द नैरेटर्स माइंड, जो नैरेटर के माइंड से निकल कर आ रही है. यही कुछ ऐसा है, ऐसी ही बातें हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कशन में थर्ड लेवल में पढ़ी. ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है कहीं ना कहीं वो एकदम सही.
ही बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली, चार्ली को साइकेट्रिस्ट ने क्या बताया। अब जो फ्रेंड था उसका, वो जो साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है, उसने उसको क्या बताया, ये समझने वाली बात है ना। पहला पॉइंट देते हैं दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड, है ना। मॉडर्न वर्ल्ड वो एक आदर्श संसार नहीं है। जो द मॉडर्न वर्ल्ड हैज मेनी मिस्ट्रीज, हाँ मॉडर्न वर्ल्ड बहुत मिस्ट्रीज है, बहुत सारी मिस्ट्रीज होती है। दैट द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मूवी, है ना। और चौथा क्या है, हिज एक्सपीरियंस वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। अब ध्यान से सुनिए बातें, जो पॉइंट आ रहा है हमारे सामने वो क्या है। पहली बात दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट एन आइडियल। अब ऐसा थोड़ी होता है कि मॉडर्न वर्ल्ड है तो आइडियल वर्ल्ड नहीं होगा, फिलहाल का जो संसार वो आइडियल नहीं होगा, ऐसी बातें तो नहीं होती है। आइडियल हो ना हो इससे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो पहला पॉइंट कहना है गलत नजर आ रहा है ना। अगली जो बात है, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज मेनी मिस्ट्रीज। अब मॉडर्न वर्ल्ड के पास बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, तो मिस्ट्रीज तो होती है, लेकिन इससे क्या है, इसके बारे में तो कोई बात नहीं ना। सेक्रेटरीस जो उसको समझा रहा है वो इस तरह की बातें तो नहीं है इसके अंदर, तो ये भी गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। तीसरा है द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मूवी। लेकिन देखो अब हमने जो पढ़ा है उसके बीच में बता सकते हैं कि मूवी वाला ऐसा भी कोई जिक्र नहीं है। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, हिज एक्सपीरियंस वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड। अब देखो फिर वही चीज आ रही है, हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ये वाली बात, एक्सपीरियंस से गुजर रहा था ना, और नो वन एल्स, किसी ने उस चीज को फील नहीं किया था, पहली बात है ना। अब उसी कंडीशन की अगर बात करें तो हिज एक्सपीरियंस, वापस से क्या चीज बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं, है ना। और एक्सपीरियंस की बात, और जो रिजल्ट था एक्सपीरियंस का, जो रिजल्ट था वो क्या था, रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस में था एंजाइटी ऑफ हिज माइंड, रिजल्ट एंड एंजाइटी ऑफ सॉरी रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। अब जो रीजन क्या था, हिज एक्सपीरियंस वॉज अ रिजल्ट, वो रिजल्ट था किसका, स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड, मतलब माइंड में चीजें चल रही थी, वो इमेजिनरी एस्पेक्ट चल रहा था, हमने पढ़ा था ये रहा इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नैरेटिव्स में। तो कहीं ना कहीं जो इसकी टेक्निक है, जो पॉइंट्स आ रहे हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं। तो एक्सपीरियंस रहा है, उसका रिजल्ट क्या, रिजल्ट किसका, ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ हिज माइंड, है ना, इसका रिजल्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट ये बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आ रहा है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में वापस हमारी मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।